हमारी वैसे तो जो मॉर्निंग है वो मॉर्निंग में ही हो जाती है, अर्ली मॉर्निंग, लाइक सुबह सुबह उठकर आहित को ऑफिस भेजने के लिए। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि सारा काम करने के बाद और एक अच्छी सी दोबारा रेस्टफुली नींद लेने के बाद जब मैं उठती हूँ तो मेरा डे होता है वहाँ से स्टार्ट। सो हेलो, वेलकम बैक टू आर्या शर्मास ब्लॉग। तो मैं आ गई हूँ आप सभी के सामने फिर एक नए ब्लॉग के साथ जिसमें मैं करूंगी प्रोडक्ट रिव्यू। सो कल मुझे हुआ था एक बड़ा सा पार्सल रिसीव जो मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में शेयर किया था, तो उसमें जो प्रोडक्ट्स निकले हैं हम उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स का आज करेंगे रिव्यू कि वो आए कैसे हैं, कैसी उनकी क्वालिटी है और उनको यूज कैसे करा जाएगा। सो चलिए, सो सबसे पहले हम रिव्यू करेंगे इस प्रोडक्ट का, वॉल माउंटेन सेल्फ का। सो बेसिकली इनका काम तो आप जानते ही होंगे बट मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। इनमें हमें मिलता है सेल्फ जो आजकल बहुत वायरल है, जैसे कि आपने देखा भी होगा। तो ये एक आपके लिए सेल्फ होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, ये ऐसी पैकेजिंग में आता है। तो इसको आप यूज कर सकते हैं अपने किचन में, जैसे कि आपके कुछ किचन में आपके कंटेनर्स वगैरह हैं, आप उनके लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो छोटे छोटे कंटेनर्स होते हैं आपके स्पाइसेस के, शुगर एंड चाय पत्ती, जो भी आप यूज करना चाहें, और एज वेल एज आप इनको वॉशरूम में यूज कर सकते हैं अपने शैम्पू के कंटेनर्स या अपने ब्रशेस वगैरह रखने के लिए। तो ये काफी हैंडी होते हैं। सो लेट्स सी कि इसको यूज कैसे करेंगे और ये कैसा आया है। आपको एक मिलती है सेल्फ जो होती है ऐसी। सो बेसिकली जो ये आपके बॉक्सेस बने हैं इसको अपर साइड नहीं, ये डाउन साइड जाएगा ऐसी। तो इसमें आपको इस जो ये सेल्फ बनी होती है इसके साइड में आपको ये चार हुक्स बने होते हैं, इन हुक्स के साथ ही इसको आप अटैच कर सकते हैं। इस सेल्फ के साथ आते ही ये दो प्यारे से नन्ने मुन्ने नन्ने मुन्ने से ऐसे आई मीन लाइक थोड़ा सा टेडी डॉल कुछ भी स्ट्रक्चर में ही आए हुए हैं। इनका आपने यूज करना है इसको स्टैंड करने के लिए और थोड़ा सा लॉक करने के लिए। सो जो ये आप देखेंगे टैडीज हैं, इनके जो ये हैंड्स हैं इसमें भी एक लॉक सा बना हुआ आया है, साथ में इनके जो ये पैर बने हैं यहाँ पे भी कुछ लॉक्स हैं। सो इसी के साथ इसको लॉक करेंगे। इनका जो साइड्स होते हैं इससे आपको पता चल जाएगा किस तरफ को इसको अटैच करना है, और इस जो होल्स बने हुए हैं इनके साथ आप इनको ऐसे डालेंगे एंड इसको डाउन साइड आपको अटैच करना है। तो ये हो गया है अटैच्ड। तो अभी हम दूसरी साइड भी इसको अटैच कर लेते हैं। सो ये हमारी जो सेल्फ है ये हो चुकी है रेडी, बट इसे वॉल में कैसे अटैच करेंगे। वॉल में अटैच करने के लिए भी हमारे पास दो ऐसी स्टिकर्स आते हैं, जिस स्टिकर्स में भी यहाँ पे अटैच के लिए स्पेस बना होता है अलग से, जहां सेल्फ है उसे अटैच करना है। इस तरीके का आपको स्टिकर मिलता है, इस स्टिकर को आपको सेपरेट करना होता है, ऐसे आपको डी अटैच करना पड़ेगा इसको। और डी अटैच करने के बाद यहाँ पे बहुत स्ट्रांग गोंद लगा हुआ है, आप इसे दीवार पे लगा देंगे जिस भी साइड, लाइक वॉशरूम, और मोस्टली इनका टाइल्स भी अगर आप यूज करेंगे तो इसकी जो ग्रिप होगी बहुत अच्छी बनेगी। सो जस्ट ट्राई कि इसको ये आप टाइल पे यूज करें, कि पैरों पे जो अटैचमेंट के लिए बना हुआ है साइड वैसे ही हैंड पे भी बना हुआ है, आप उसके हैंड्स के अकॉर्डिंग ही इसको लगाएंगे। ये अटैच कर लिया है मैंने, ऐसे ही आपने अनदर साइड पे भी अटैच करना है और आप अपने वॉल पे लगा देंगे और ये हो जाएगा गुड टू गो, कि आप इसके ऊपर अपना कुछ भी सामान रख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, मैं अभी रख देती हूँ अपने बाबू का एक पर्स। तो ऐसे आप इसको अपना यूज कर सकते हैं, हालांकि आप इनको रूम में भी यूज कर सकते हैं, बट जो हमारे यहाँ पे टाइल्स हैं वो है सिर्फ वॉशरूम में और किचन में, तो मैं आपको इसका इस्तेमाल वहीं करके बताऊंगी। बाकी प्रोडक्ट तो मुझे काफी अच्छा लगा, काफी हैंडी लगा, और मैं काफी टाइम से इसको सोच रही थी कि जल्दी से रिसीव कर लूं। ये मुझे रिसीव हुए हैं midora.in से। अगर आपको भी ये प्रोडक्ट पसंद आता है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर दूंगी, आप मंगा सकते हैं midora.in से। और कैसा लगा ये प्रोडक्ट बताना जरूर। अपने सेकेंड रूम में अपने प्रोडक्ट का रिव्यू वीडियोस पे काम कर ही रही थी कि यहाँ पे हमारी जो डुग्गू जी को मैं सुला के गई थी, मेरा बाबू उठ गया। चलो ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा इसके पास आ गई थी। पहले तो मैंने एटलीस्ट 15 से 20 मिनट ट्राई किया कि इसको सुलाई दूं, बट ये सो ही नहीं। तो मैंने कहा इसके साथ टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि इसके लिए कुछ कार्टून वगैरह लगा दूं, तो मैंने इसके लिए कार्टून्स प्ले कर दिया। हाँ जी बेटा, क्या देखो कार्टून लगा दो बोल रही है। ठंड वैसे इतनी है नहीं, बट मुझे ना वहाँ पे फ्लोर पे खड़े होकर बहुत ठंड लगी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सॉक्स पहन लेती हूँ। और ये देखो, ये देखो, ये देखो, 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 क्यूटी पाई। सच में यार, जो लोग बच्चों के साथ काम कर लेते हैं, लाइक घर का तो चलो है ही है, बट साथ में अगर कुछ ऐसे वर्क वो करते हैं, हैट्स ऑफ है यार उनके लिए। मैं पता है अभी का टाइम शाम के आई गेस 4:30 बज चुके हैं और मैं सुबह से ट्राई कर रही हूँ
कि कुछ ऐसा टाइम मुझे मिल जाए जिसमें डुगू के साथ साथ, मतलब डुगू थोड़ा सेपरेट हो जाए, टीवी देखने लगे या कुछ अपना प्ले कर ले या फिर वो सो जाए और मैं काम करूं। बट शाम के 4:30 बज गए हैं और नहीं हो पा रहा है। यू नो वट, मैं 2 दिन से ट्राई कर रही हूं कि कुछ ना कुछ करके मैं रेडी हो जाती हूं, अपना थोड़ा सा मेकअप तो खैर क्या ही बोलूं, बट थोड़ा सा अपने आप को टचअप कर लेती हूं ताकि मैं अपना काम कर लूं, बट नहीं कर पाती। बट आज भी देखो 4:30 बज गए हैं, बट आज तो मैंने फिक्स करा था कुछ भी हो जाए मैंने आज का तो काम करना ही करना है। जो प्रोडक्ट हमने रिव्यू किया है, चलो उसे देख लेते हैं कि वो लग के कैसा लग रहा है, कैसे उसकी अटैचमेंट्स होगी। बाबा जी करने दो थोड़ा सा काम, डुगू जी करने दो ना मम्मा को थोड़ा सा काम। देखो यहाँ पे पूरा सब कुछ मम्मा ने फैला के रखा हुआ है, काम ही नहीं करने दे रहे हो आप, क्यों क्यों नहीं करने दे रहे हो मम्मा तो काम? नहीं करने दोगे, नहीं करने दोगे? क्या हुआ? आप एक काम करो, रूम में जाओ। नहीं नहीं चार्जर छोड़ो, आप बेडरूम में जाओ, जाओ जाओ, टीवी ऑन है ना बेटी, जाओ ना देखो, टीवी देख लो, जाओ गो। हाँ थैंक यू। नो नो नो, देयर इज नो घोस्ट, जब आएगा तो मम्मा आपको ऑलरेडी बता देगी। जाओ टीवी चल रहा है बस वहाँ पे जाओ। हाँ जी नौटंकी कर रहे हो आप, देखो आप नौटंकी कर रहे हो, जाओ ना प्लीज, मम्मा बैगिंग यू, गो ना गो प्लीज प्लीज प्लीज। डांची का मैंने गाना भी नहीं चलाया बट डांची करने लग जाते हो, जाओ ना डुगू प्लीज। इतनी कोशिशों के बाद भी मेरी डुगू नहीं सोई है, बट मैंने साइड में जो अटैचमेंट्स हैं सारी की सारी चारों बॉक्स की एक एक करके कर ली है, बस इन्हें अब कर लेते हैं प्लेस जहां भी मुझे लगाना है। फिर चलो देखते हैं कि लग के ये कैसा लग रहा है और कितनी अच्छी इनकी ग्रिप है और कितने स्ट्रॉन्ग कंटेनर्स को ये झेल सकता है। मैं आ गई किचन एरिया में और यहाँ पे मैंने जो प्रोडक्ट है इसके स्टिकर्स निकाल कर जो टाइल्स थी उनको बहुत अच्छे से पहले क्लीन कर लिया, क्योंकि उसके अंदर मतलब वहाँ पे ना वेट नहीं होना चाहिए, कोई भी डर्टीनेस नहीं होनी चाहिए, वो सब मैंने क्लीन करा और उसके बाद दोनों को यहाँ पे अटैच कर दिया ऐसे, ये देख सकते हो आप यहाँ से। और आपको ये बहुत अच्छे से मतलब स्टिक करने हैं चारों ओर से, जो भी स्पेस बना होता है ना, ताकि कहीं से भी रह ना जाए बबल्स वगैरह, क्योंकि फिर वो डी अटैच होने के चांसेस रहते हैं। फिर मैंने दूसरे वाले को भी यहाँ पे किया सेम वैसे जैसे पहले वाले को अटैच किया था। और इनको क्या होता है, कभी भी जो स्टिकर्स है कभी भी लगाने के बाद ना तुरंत इसमें हैवी वेट नहीं रखना चाहिए, ताकि क्योंकि इनकी ग्रिप उतनी अच्छे से बनी नहीं होती है, तो एटलीस्ट हाफ एन एन मतलब मेरी तरफ से तो 1.5 इसको छोड़ देना चाहिए, ताकि ये अच्छे से अपनी ग्रिप बना ले और स्ट्रांग हो जाए मतलब ना, उसके बाद आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं। देन बचे हुए दो स्लैब्स जो थे मेरे वो मैंने फिर लगाए अपने वॉशरूम एरिया में, जैसे कि आप ये देख सकते हो यहाँ पे भी टाइल है और मैंने इन दोनों को यहाँ पे अटैच कर दिया, ताकि मैं अपने शैम्पू कंटेनर्स हैं या सोप है या कुछ रबर बैंड्स हैं उनके लिए यहाँ पे इसको यूज कर सकूं और ये मेरे लिए ज्यादा हैंडी हो जाएगा। प्रोडक्ट को लगा तो लिया है बट उसका जो फाइनल रिव्यू है उसको हम थोड़ी देर में करेंगे, क्योंकि उसके लिए हमें छोड़ना पड़ेगा उसको, जैसे कि आपको पता है। अब थोड़ा सा मेरा चाय पीने का मन हो गया है, क्योंकि काम कंप्लीट हो गया है, बस लास्ट मुझे शॉर्ट्स एंड यो व्लॉग के लिए भी दिखाना है लास्ट की क्या उसका ग्रिपिंग है, और फिर शॉर्ट के लिए एक शॉर्ट ले लेंगे और उसके बाद फिर इस व्लॉग को बाद में एंड करेंगे। और तब तक के लिए मुझे लग रही है चाय पीने की तलब, तो चाय बना लेते हैं और डुगू को भी कुछ स्नैक्स दे देते हैं। स्नैक्स का नाम सुन के डुगू जी हमारी अलग ही एक्साइटेड हो गई है। हाँ जी भाई स्नैक्स खाओगे? डेपू बेटा प्लीज मेरा चार्जर नहीं छेड़ो, आपके डैडी ने मेरे को दोबारा दिलाना भी नहीं फिर ये। नहीं नहीं दिलाएंगे डैडी जी मेरे को, फिर बाद में बोलेंगे आपने डुगू जी से क्यों नहीं उसको बोला कि नहीं तोड़ना है। कहाँ चलना है डैडी? नहीं आए बेटे अभी, अभी टाइम थोड़ी ना हुआ है डैडी जी का, कम कम इंसान कम कम। ओके गो बाय। तो चलिए बना लेती हूँ चाय और जब तक चाय बनेगी, एक्चुअली स्टोरेज फुल हो गया है क्योंकि काफी लंबी लंबी वीडियोस थी, क्योंकि मेरे को एडिटिंग के लिए मैं प्रॉपर ड्रॉ मटेरियल जो हमारा होता है वो बहुत ज्यादा लेंथी होता है, तो तब तक अभी तक का चीजें हैं उनको एडिट कर लेते हैं फिर उन्हें डिलीट कर देंगे, फिर तब तक चाय भी बन जाएगी, चाय फिर एंजॉय करते हैं। सो बातों ही बातों में मेरी चाय हो गई है रेडी और मैंने लगा लिए हैं ब्रेड विद मलाई, तो अब कर लेते हैं शाम का नाश्ता, डुगू को भी यही खिलाएंगे। चलो डुगू आ जाओ चलते हैं रूम में। तो मैं भूल गई थी कि मम्मा जी लाइक्स मलाई वाली ब्रेड बट डुगू जी नॉट, तो डुगू जी के लिए हम मैं ले आई हूँ प्लेन ब्रेड, तो ये यही खाएगी चाय के साथ। लो मम्मा को लव करो, लव करो मम्मा को, ओले ओले ओले, अच्छा भैया अच्छा भैया आप मम्मा को लव कर दो। डू यू लव मम्मा? डू यू लव मम्मा हाउ मच? डैडी को भी? अच्छा दोनों को करते हो, तो हाउ मच डू यू लव अस
बच्चे बेइज्जती कराने माहिर होते हैं। वैसे बताती है, हाँ अभी मैंने कैमरे में पूछ दिया तो पट। चलो हम जल्दी से चाय पी लेते हैं वरना हमारी चाय जाएगी ठंडी। के साथ साथ हम टीवी पे एंजॉय कर लेते हैं मेरा लास्ट ब्लॉग, बिकॉज मैंने वो नहीं देखा है। और मैं ब्लॉग हमेशा शूट करने के बाद, अपलोड करने के बाद एक बार टीवी पे देखना बहुत ज्यादा प्रेफर करती हूँ कि हाँ भाई कैसा इसका आउटकम आ रहा है, क्योंकि ब्लॉग बनाने के बाद मैं नहीं देख पाती हूँ तो मुझे पता नहीं चल पाता कि कैसा बनाया है और कैसा वो लग रहा है मतलब। तो बिग स्क्रीन पे देख लेती हूँ, तो चलो हम वो एंजॉय करते हैं। यहाँ मेरा बेटा मुझे डरा रहा है। तो कल जब मम्मी आई थी तो मम्मी लस्सी लेके आई हुई थी, तो आहित का फोन आया है स्पेशल डिमांड की कड़ी बनाओ इस लस्सी की, कहते कड़ी बना लो पकोड़े वाली। सिर्फ चाय पी, एडिटिंग पे कुछ काम नहीं किया है। एक्चुअली जो ये प्रोडक्ट्स मुझे यहाँ से रिसीव होते हैं, मेरी उनसे बात हो रही थी, थोड़ी उनसे बात वगैरह की कुछ प्रोडक्ट्स को लेकर, कुछ प्रोफाइल्स को लेकर बात वगैरह, वर्क डिस्कशन हुए हमारे। देखो मेरी डूकी खुरा पातियां अलग से, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं एक बार मतलब झोई का काम कर लेती हूँ। सो ये हो तो चुका था, अब चलो इसको हमने ड्राई भी हो गया है, अब इसमें सामान रख के देखते हैं। ये मेरा शैम्पू, मेरा मॉइस्चराइजर, डुगू का शैम्पू, यहाँ पे फेस वॉश, मेरा शैम्पू, साथ में जो ये है यहाँ पे हम अपने रबर्स को हैंग कर सकते हैं उसके लिए भी ये इजी है। सो ये ऐसा दिख रहा है, कुछ काफी सुंदर लग रहा है, काफी प्रिटी लग रहा है। चलो अच्छा यहाँ तो मैं देती हूँ थम्स अप। अब किचन वाला देख लेते हैं एक बार। अब आती है किचन की बारी, तो किचन में मैं रखना प्रेफर करूंगी कप्स, तो यहाँ पे मेरे जो कप का सेट है ये लगा लेती हूँ। ये तो कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पे मेरा रैक कप्स को लगाकर, और काफी अच्छा लग रहा है और सही भी है कि एक रैक मिल गया है मुझे और ग्रिप भी अच्छी बन गई है। सो फाइनल मैंने जो फाइनल शॉट्स थे मेरे वो भी मेरे कंप्लीट हो गए हैं और डिनर भी साथ में कंप्लीट हो चुका है। हम कर लेते हैं डिनर और मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड। आई होप आपको ये जो ब्लॉग है वो पसंद आया होगा, मेरे जो एफर्ट्स हैं डुगू के साथ घर का काम देखकर, और मेरा जो ये वर्क है लाइक मेरी ब्लॉगिंग एंड शॉर्ट्स जो काम चल रहा है वो एफर्ट्स आपको दिखे होंगे। और अगर दिखे हैं, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो अभी के लिए मैं लेती हूं आपसे अलविदा, फिर मिलूंगी आपसे एक नए व्लॉग के साथ, एक नए प्रोडक्ट रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।